जल्द आ रहा है आजाद सिपाही डिजिटल। आओ मंडल मंडल खेलें। मंडल डैम ने झारखंड की राजनीति में हिलाया भूचाल। भाजपा कुछ भी करे तो कांग्रेस झाविमो करेगा विरोध। कांग्रेस कुछ करे तो भाजपा भी करेगी विरोध। राजनीति में इस नए ट्रेंड से विकास बाधित। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं पलामू के मंडल डैम पर चल रही राजनीति की। देश में अभी एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। इन दिनों एक नई परिपाटी चल पड़ी है। भाजपा कुछ करती है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, और कांग्रेस कुछ करती है तो भाजपा उसका विरोध करती है। देश के दो बड़े दलों के इस विरोध की राजनीति से विकास प्रभावित हो रहा है। मंडल डैम को लेकर कांग्रेस और झाविमो ने विरोध शुरू कर दिया है। 1972 से बंद पड़े मंडल डैम की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पलामू आ रहे हैं। हालांकि ये सच है कि मंडल डैम से ज्यादा फायदा बिहार को होना है, लेकिन ये भी सच है कि इस डैम के निर्माण के बाद पलामू में बिजली की किल्लत नहीं रहेगी। मंडल डैम से पलामू की मात्र 10,000 हेक्टेयर जमीन ही सिंचित होगी, पर यह भी सच है कि इस डैम के निर्माण के बाद लगभग 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो पलामू के लिए वरदान साबित होगा। मंडल डैम के निर्माण से झारखंड हित में नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। झारखंड का पलामू और उसके आसपास का क्षेत्र आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बिजली पानी का दंश झेल रहा है। इस प्रमंडल की नियति है सुखाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को चियांकी हवाई अड्डा परिसर से मंडल डैम की आधारशिला रखेंगे। इस डैम को लेकर विपक्ष का आरोप है कि इससे पलामू और लातेहार जिले के किसानों को कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। योजना के पूरा होने पर डैम से पलामू और लातेहार जिले को महज 25% पानी ही मिलेगा। 75% पानी बिहार के औरंगाबाद जिला को मिलेगा। हालांकि योजना के पूरा होने के बाद 24 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन होगा, जो पलामू और लातेहार को मिलेगा। वहीं चुनावी साल में योजना के शिलान्यास होने से इसके पूरे होने पर विपक्ष इसे संशय की नजर से भी देख रहा है। योजना के शिलान्यास होने के उपरांत टेंडर होते होते चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। एकीकृत बिहार में साल 1970 में एकीकृत पलामू जिला अब लातेहार के बरवाहडीह के मंडल में कोयल नदी को बांधकर नहर बनाने की योजना बनाई गई थी। इसके 75% पानी को तत्कालीन गया जिला अब औरंगाबाद जिला को सिंचाई के लिए भेजने का प्रावधान किया गया था। इससे पलामू जिले को महज 25% पानी ही मिलता। इस पर बिहार विधानसभा में तत्कालीन डाल्टनगंज विधायक पूरन चंद, मनिका विधायक यमुना सिंह और भवनाथपुर विधायक लाल हेमेंद्र नाथ देहाती ने विरोध किया।
बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने 5 संसदीय टीम का गठन किया। उसमें भीष्म नारायण सिंह को अध्यक्ष तथा दाऊद नगर विधायक राम विलास यादव, डाल्टनगंज विधायक पूरन चंद, मनिका विधायक यमुना सिंह और भवनाथपुर विधायक लाल हेमेंद्र नाथ देहाती को सदस्य बनाया गया। टीम ने बिहार विधानसभा में प्रस्ताव दिया कि मंडल डैम से बिहार को पानी देने के एवज में औरंगा नदी पर बेतला के समीप, अमानत नदी पर पांकी के समीप, कनहर नदी पर रंका बाराडीह के पास, तहले नदी पर गोपालपुर के पास, काशी सोत को हुसैनाबाद के पास बांध कर सिंचाई की व्यवस्था की जाए। इस पर मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा करने और योजना को पारित करने के बाद 1973 में मंडल डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। उस समय योजना की लागत 300 करोड़ थी। इसके साथ ही अन्य 4 योजना का भी कार्य शुरू हुआ, लेकिन फंड के अभाव में कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकी। मंडल डैम के निर्माण में लगे इंजीनियर की हत्या के बाद से कार्य बंद कर दिया गया था। इसके बाद से योजना ठंडे बस्ते में चली गई। बीच बीच में मंगल डैम को लेकर आंदोलन होते रहे। इस आंदोलन की बदौलत मनिका विधानसभा से कई नेता और चतरा लोकसभा से कई नेता चुनकर क्रमशः विधानसभा और लोकसभा पहुंच गए, लेकिन योजना वहीं की वहीं रही। झारखंडियों को उजाड़ने का प्रयास, बाबूलाल मरांडी। झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मंगल डैम से झारखंड के लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आगामी 5 जनवरी को इसका शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। इसके माध्यम से एक बार फिर झारखंडियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल में भी मंडल डैम निर्माण की बात संज्ञान में लाई गई थी। ये बड़ी विडंबना है कि इस डैम के निर्माण के लिए लगभग 2855 वर्ग किलोमीटर जमीन की जरूरत है, जिसका 100% अधिग्रहण झारखंड से होना है, जबकि कुल जल संचय से 73% बिहार की भूमि सिंचित होने वाली है। झारखंड की मात्र 17% जमीन ही सिंचित होगी, जो किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। इस परियोजना से 15 गांव के लगभग 1600 परिवार विस्थापित होंगे। प्रस्तावित डैम के निर्माण होने से कुल 1,11,521 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिसमें झारखंड की मात्र 19,604 हेक्टेयर एवं बिहार की 91,917 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 46 वर्ष के बाद बिजली में आत्मनिर्भर होगा पलामू किशोर। भाजपा के मुख्य सचेतक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि किसी भी योजना के विरोध के लिए विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंडल डैम से बिहार की अधिकांश भूमि सिंचित होगी, लेकिन 46 वर्ष के बाद पलामू प्रमंडल बिजली में आत्मनिर्भर होगा। कहा कि झारखंड के नेताओं की मांग पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने आदेश दिया था कि मंडल डैम की पन बिजली से उत्पादित होने वाली बिजली पलामू को मिलेगी। 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पलामू के लिए ये बिजली वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी आज इसका विरोध कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। कहा कि कनहर नदी और सोन नदी से पलामू गढ़वा की जमीन को सिंचित करने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि दोनों नदी का उद्गम स्थल झारखंड नहीं है। बड़े नेताओं को भड़काने वाला बयान नहीं देना चाहिए। सशंकित हूँ कहीं फिर ना ये योजना अधर में लटक जाए, नामधारी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने मंडल डैम के शिलान्यास का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तरी कोयल नदी पर डैम बनना है। अभी कोयल नदी सूख जाती है, डैम बनने से साल भर पानी रहेगा, पन बिजली का भी उत्पादन होना है, पलामू को इससे बिजली मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अब भी सशंकित हैं कहीं फिर से ये योजना अधर में ना लटक जाए। चुनावी वर्ष है, 2-1 महीने में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अभी तो शिलान्यास हो रहा है, काम का टेंडर नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि 4 साल से इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया, अभी तो उद्घाटन का समय था और हो रहा है शिलान्यास।
कहा कि चतरा, पलामू और औरंगाबाद के सांसद प्रयास करते तो आज इस डैम का शिलान्यास नहीं उद्घाटन होता। उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, सुनील सिंह। बाबूलाल मरांडी विद्वेष और उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह सांसद सुनील कुमार सिंह ने मरांडी के मंडल डैम से संबंधित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जनता को भ्रमित कर राज्य में भेदभाव फैलाना चाहते हैं। श्री सिंह ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अगर मुख्यमंत्री रहते उन्हें मंडल डैम योजना नापसंद थी तो फिर उन्होंने इसे रद्द क्यों नहीं किया? ठंडे बस्ते में डालना एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति ही कर सकता है, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं। उन्होंने कहा कि मरांडी को बताना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री रहते मंडल डैम निर्माण पर पैसे क्यों खर्च हुए। श्री सिंह ने कहा कि आज भी उत्तर कोयल नदी का पानी पलामू होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करता है, परंतु पलामू के लोग अब पेयजल भी खरीद कर पीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि डैम का कार्य पूर्ण हो जाने से सिंचाई के साथ पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा, भू जल स्तर में वृद्धि होगी जिससे फ्लोराइड आर्सेनिक जैसी समस्या का समाधान होगा। गर्मी के दिनों में सूख जाने वाली कोयल नदी में सालों भर पानी का प्रभाव होता रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार न केवल मंडल डैम के निर्माण को पूर्ण करना चाहती है बल्कि पलामू को अकाल सुखाड़ से स्थायी समाधान दिलाने के लिए वर्षों से लंबित मलय बटाने, औरंगा आदि अनेक लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। कहा कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उसने अपने लंबे कार्यकाल में कितनी सिंचाई योजना पूर्ण की है। डैम के बनने से 20 गांव के लोग होंगे विस्थापित, गिरिनाथ। पूर्व मंत्री सह राजद नेता गिरिनाथ सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार मंडल डैम के निर्माण के नाम पर गढ़वा जिला वासियों को छल रही है। यदि मंडल डैम बना तो इस जिले से 20 गांव के लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस डैम के निर्माण से जिले की हरियाली समाप्त हो जाएगी, 5 लाख से अधिक पेड़ काटने की शुरुआत कर दी गई है। एक बाल्टी पानी भी नहीं मिलेगा पलामू को, डॉक्टर अजय कुमार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मंडल डैम के मामले में केंद्र को गुमराह किया गया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना की सच्चाई के बारे में केंद्र को नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि इस डैम से पलामू प्रमंडल को एक बाल्टी पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ, इस परियोजना में काम करने वाले नेता, अफसर एवं ठेकेदारों की केवल जेबें भरेंगी। स्वर्ण रेखा परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सूखे के बाद 1969 में इस परियोजना को लाया था। इसका शिलान्यास 1980 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा कर चुके हैं। अगर राज्य सरकार का बस चले तो HEC, बोकारो, टाटा, कोल इंडिया आदि सभी परियोजनाओं का फिर से शिलान्यास एवं उद्घाटन करवा दे। मंडल डैम को लेकर फिलहाल झारखंड में जो बयानबाजी शुरू हुई है उससे राज्य हित कम, राजनीतिक स्वार्थ ज्यादा है। झारखंड गठन के समय सभी ने ये वादा किया था कि सकारात्मक कार्यों के प्रति सबका सहयोग रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के राजनीतिक दल राजनीतिक द्वेष भूलकर राज्य हित में कुछ योगदान देंगे। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और खबरों की पल पल के अपडेट्स के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं आजाद सिपाही का ऐप। धन्यवाद।